तो बता था कि उधर वो रानी अपने धर्म पर कायम हो जाती है। राजा के यहाँ तीन रानी थी, छोटी रानी और थी। उन्होंने विचार किया अगर जो बड़ी रानी का लड़का पैदा हो गया तो हमारी और तुम्हारी घर में कोई इज्जत नहीं रहेगी, दासियों वाले काम करने पड़ेंगे। तो दोनों छोटी रानी आपस में क्या बातें करने लगी। जो महाराज आए थे, पंडित जी जो ब्राह्मण आए थे, वरदान लेकर गए हैं, बड़ी रानी का लड़का जरूर होगा। एक बात बताऊं तुम्हें, मारी तो पहले इज्जत घाट से और जब परमात्मा ने चाहा इस रानी का जो छोरा हो गया ना, फिर महाराज हमने सुन देगा भी नहीं। पहली मेरा तो नंबर दो तीन माल में कोई इज्जत को चित्र बनाइए। ए भाई रोई तेरा भी छह छह महीना में नंबर आ रहा है, कोई चित्र बना रोज नंबर आ रहे हैं। सुनो सुना दे तरी।